सबसे लास्ट वाला पंच सही था, सही लेगा वो कहता है कि भाई थोड़ा कर्ली टाइप, अरे भाई मलिंगा स्टाइल चल रहा है आजकल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है मुनीश। मैं हूं सुनील। और आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है बाला मूवी का ट्रेलर। बहुत टाइम से हमें इस ट्रेलर का इंतज़ार था, जब से इसका टीज़र आया था तब से हमें इंतज़ार था। आयुष्मान खुराना की हर मूवी का हर किसी को इंतज़ार रहता है, क्योंकि हर बार ये नया टॉपिक लेके आते हैं डिफरेंट वे में, डिफरेंट टॉपिक। अब क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने एक और मूवी का ट्रेलर देखा था, उजड़ा चमन। तो उजड़ा चमन का और इसका टॉपिक जो है वो बिल्कुल सेम है। तो देखना है हमें, इस ट्रेलर से देख के हमें पता चलेगा कि डिफरेंट क्या है दोनों मूवीज के अंदर, दोनों मूवीज के अंदर किस तरह से डायरेक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो स्त्री फिल्म के डायरेक्टर इससे पहले थे। तो अब देखते हैं कि इस मूवी के अंदर, इस ट्रेलर के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें। तो और वैसे उजड़ा चमन का रिएक्शन हम कर चुके हैं, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यस, ये है हमारे प्रमुख अखबारों के मैट्रिमोनियल एड्स, पढ़ाई लिखाई जाति प्रजाति सब बाद में, सिर्फ गोरी लड़की चाहिए। इसलिए सारी काली लड़की बिठा रखी है यहाँ पे। आप ये टोपी पहन के काहे बात कर रहे हैं? हमारी टोपी हमारी मर्जी। धूप लग रही है क्या? हटाओ टोपी। किसी और को दिक्कत नहीं, आपको काहे हो रही है? नहीं हटाएंगे हम। शर्मा काहे रहे, हटाओ। सुंदर लड़की से बात करते फटती है हमारी, लगता है धसेगी हम पे देख के। हेयर लॉस नहीं, आइडेंटिटी लॉस हो रहा हमारा। नहीं अपने सर पर लगा लेना। ये क्या था भाई? बालक तुझे हूर जैसी परी मिलेगी। हमने नहीं करनी शादी वादी, जितने विकेट विकेट बचे हैं ना इनके रहते अपनी इनिंग बचा लो। लड़की फंस गई है। हम कोई फिल्म नहीं है बेबी, हम तो एकता कपूर का सीरियल है। मौसम बड़े चूतिया को इतनी सुंदर लड़की दिल दे दी। बताए तो दिए हो ना उसको। हमने फैसला कर लिया, प्रतिरोपण करवाएंगे। अरे उसने तो प्रतिरोपण टापू है भैया, जैसा बड़ा घूमते हो पूरा दिन टाइम ही जाएगा। ट्रांसप्लांट के लिए तुम्हारे छाती, हाथ और दाढ़ी के बाल बहुत कम है, तो अब बस एक ही जगह है। कर्ली टाइप घुमरान हो गया। हाँ मलिंगा का चल रहा आजकल भैया, छाती बाल सर पे लगाने को बोल रहा है आदमी, हम नहीं करवाएंगे। भाई ये था ट्रेलर बाला का। सच में मतलब दाद देनी होगी अपने आयुष्मान खुराना जी को, ये मतलब इस तरह का टॉपिक किया उन्होंने। हालांकि इससे पहले भी विकेट होना जैसे टॉपिक कर चुके हैं, तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे लास्ट वाला पंच सही से उसको सही लेगा, वो कहता है कि भाई थोड़ा कर्ली टाइप, अरे भाई मलिंगा स्टाइल चल रहा है आजकल। सही बात है, तो मलिंगा बनाने की कोशिश हो रही है आयुष्मान खुराना को मूवी में, और देखते हैं मलिंगा बन पाते हैं या नहीं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट तो भाई तभी हो पाएगा, वैसे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाल तो है ही नहीं भाई। वो बहुत
प्यार से बोलता है, आपका छाती आपके छाती के बाल, छाती के बाल, जांघ के बाल, पीठ के बाल कम है, कम है, तो इसलिए एक ही जगह बची है जहां से बाल लिए जा सकते हैं। तो हालांकि कंपेयर करें इसे जो पहले ट्रेलर देखा था उजड़ा चमन का, उसके साथ कंपेयर करें तो बहुत कुछ सिमिलर है। जो लास्ट वाला पंच है बिल्कुल ही सिमिलर है, इसमें सीधा सीधा बोला गया है। उसमें क्या है कि उसमें वो कहता है कि आपके पीछे से बाल लेने पड़ेंगे, तो वो कहता है पीछे कहाँ से, आपके सर के पीछे से। तो वो थोड़ा सा उन्होंने ठीक कर दिया था, लेकिन इस ट्रेलर के अंदर तो सीधा सीधा भाई बम फोड़ा है। इसमें तो ओपन ही बोल दिया कि भाई लो। और उस मूवी के अंदर उसने बिग भी नहीं पहनी थी ट्रेलर के अंदर, और इसमें थोड़ा सा बिग वाला भी दिखाया गया है। और उसके उस अंदर मूवी में लड़की नहीं मिली थी उसे, हाँ लड़की कोई नहीं मिली थी, और इसमें लड़की बहुत अच्छी मिल गई है, यानी हैप्पी एंडिंग दिख गई है थोड़ी सी। हाँ तो इस मूवी और उस मूवी में थोड़ा सा फर्क है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा ये थोड़ी सी मतलब कलर्स में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है उस मूवी के मुकाबले, उसमें बहुत ब्राइट कलर्स थे। उस ट्रेलर के अंदर जो देखें कंपेयर करें ट्रेलर्स को, तो बाकी बाला कैसी निकलती है, क्योंकि इसके डायरेक्टर जो हैं वो बहुत, उन्होंने अच्छी मूवी स्त्री जो बहुत अच्छे से बनाई थी, उसके ट्रेलर में उतना अच्छा नहीं मतलब पता चल पाया था, लेकिन मूवी बहुत अच्छी निकली थी। वैसे ही हो सकता है कि इसके भी ट्रेलर में उतना अच्छा ना निकल पाया हो, लेकिन मूवी बहुत अच्छी हो। तो ये मूवी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो रोल में जब घुसते हैं तो बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मूवीज है कि मतलब लगभग दो हफ्ते के बीच में ये रिलीज हो रही हैं, तो देखना होगा कि कौन सी मूवी ज़्यादा, हालांकि आयुष्मान खुराना की मूवी जो है वो ज़्यादा इनकम करेगी, उनके उन्होंने लगातार हिट मूवीज़ दी हैं, मेरा ख्याल है हैट्रिक क्या, अब तो चौथी पांचवी हिट मूवी, सुपर हिट मूवी आने वाली होगी उनकी। और दूसरी मूवी में कम स्टार्स जो हैं वो कम देखे गए हैं, कम उनको रिलेट कर पाएंगे ऑडियंस जो है, तो देखना होगा दोनों मूवीज के लिए। लेकिन दोनों ही मूवीज जबरदस्त होने वाली हैं, डिफरेंट सेम टॉपिक, डिफरेंट डायरेक्टर्स एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट, डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट टीम्स, तो देखना होगा दोनों फिल्मों में से कौन सी ज्यादा कमाई तो ऑब्वियस है ज्यादा बाला कमाएगी, लेकिन देखना है कि दोनों में से मजा कौन सी मूवी देखने में ज्यादा आता है। और क्योंकि मेन चीज़ क्या है, जो टॉपिक उठाया है इन्होंने, करंट का टॉपिक उठाया कि ये हर इंडिया तो इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी सब जगह की ये प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम नहीं, मैं कह रहा हूँ ये स्टाइल आने वाला, भाई गंजे हो जाते हैं अभी से, भाई गंजे हो जाते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है ये ट्रेंडिंग में आ जाएगा थोड़े दिनों में, और सारे गंजे होकर घूमेंगे, हम सबसे पहले होते हैं तो क्या किया जाए, हुआ जाए तो छोड़ो। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये भी ट्रेलर, उस मूवी का ट्रेलर भी अच्छा लगा था, इस मूवी का ट्रेलर उससे मतलब कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस से हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा, आपको उस ट्रेलर और इस ट्रेलर में कितना अंतर लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले, और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर नहीं आपने शेयर किया अब तक तो। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।